हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड लेट x इक्वल टू a इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी. वेयर वी वॉन्ट टू चेक, हम चेक करना चाहते हैं x इज इक्वल टू a वो पॉइंट है वेयर वी वॉन्ट टू चेक वेदर एफ एक्स इज डिराइवेबल और नॉट. ठीक है, x इज इक्वल टू a वो पॉइंट है जहाँ पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो फंक्शन डिफरेंशियबल बनेगा या नहीं बनेगा. मतलब f डैश a की एग्जिस्टेंस होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी होगी. अगर ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है देन देर इज़ नीड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. तो ये अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन में. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है ये हमें फंक्शन दिया, हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल बनेगा कि नहीं बनेगा. तो लेट अस फर्स्ट सी कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है. अगर एफ एक्स फंक्शन बन रहा है तो a पुट करके सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फंक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a इज गिवन बाय लिमिट x गोज टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ये कॉन्सेप्ट हमने 11th क्लास में किया था कि अगर एफ एक्स फंक्शन है जो कि हमें गिवन है और हमें a पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक भी करना है और a के a पर उस फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, तो हम एफ डैश ए का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, हम एक लिमिट कैलकुलेट करते हैं लिमिट x गोज टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. इस लिमिट की जो वैल्यू आती है वो फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जिस पर कि हमने लिमिट को लिया था. ठीक है, तो इस लिमिट को इवेल्युएट करके एफ डैश ए को इवेल्युएट किया जाता है, निकाला जाता है. अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो लिमिट है इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, हाउ टू कैरी ऑन द कैलकुलेशंस. लेकिन अब यहाँ पर हमें एक चीज़ जो हमने सीखी है वो क्या है कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अगर वो राइट हैंडेड वे में अप्रोच करने पर या राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड वे में अप्रोच करें या राइट हैंडेड वे में अप्रोच करें, किसी भी तरह से हम अप्रोच करें फंक्शन को, अगर दोनों की दोनों जगह लिमिट की वैल्यू सेम आती है देन वी से दैट द लिमिट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस. अब यहाँ क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर हम इस लिमिट को लेफ्ट हैंडेड वे में इवेल्युएट करेंगे, अगर हम इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे एस एक्स गोज टू ए माइनस देन वी आर गोइंग टू गेट द लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. और इसी तरह से अगर हम इस लिमिट को राइट हैंडेड वे में कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड की तरफ से फंक्शन को अप्रोच करते हुए निकालेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द राइट हैंडेड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड अगर हम इसी लिमिट को इवेल्युएट करते हुए एक्स को ए माइनस की तरफ से अप्रोच करते हैं, ये कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मिलता है हमें. और अगर हम x को a प्लस a के पॉजिटिव साइड से यानी a के राइट साइड से अप्रोच करते हैं देन वी गेट द राइट हैंडेड लिमिट. तो लेफ्ट अब जब लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो हम निकालेंगे ना इस तरीके से दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. एंड दिस लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कैन थस बी रिटन एज लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए. ठीक है, इसे एल एफ डैश ए भी कहा जाता है वेयर एल रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. इसी तरह से हम राइट हैंडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन वी टेक लिमिट एज एक्स गोज टू ए प्लस फॉर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई आर एफ डैश ए. आर एफ डैश ए का मतलब क्या हो गया, राइट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए.
अब अगर ये LHD और RHD दोनों इक्वल आते हैं, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं, देन वी कैन से, क्या बोलेंगे हम, कि फंक्शन fx इज डिराइवेबल, फंक्शन fx डिराइवेबल है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो वो फंक्शन जो है वो डिराइवेबल माना जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती हैं, देन वी से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल और नॉट। अब मान लो आपको फंक्शन fx डिफाइन करके दिया किसी ओपन इंटरवल ab पर, तो ये फंक्शन fx ओपन इंटरवल ए बी पर fx इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होगा, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ इट इज डिराइवेबल, कब, जब ये डिराइवेबल होगा एट एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑफ, किसका इंटीरियर पॉइंट, एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल ए बी। ये तो हमें पता ही, ओपन इंटरवल में ना तो ए काउंट होगा ना बी काउंट होगा, तो अगर ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिराइवेबल आता है, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है दैट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। सिमिलरली इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो इस क्लोज इंटरवल ए बी पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ए, ऑब्वियसली बात है कि हम सिर्फ राइट साइड पर चेक करेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल एट बी, हम सिर्फ एलएचडी चेक करेंगे एंड इट इज फर्दर डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी। तो इस हिसाब से अगर क्लोज इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन उस इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, एक रिलेशनशिप आती है, द रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कंटिन्यूटी का, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, अगर हमें इसे स्टडी करना है तो इनका जो रिजल्ट है, इनकी जो डिपेंडेंस है वो ऐसे है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये इसका जो रिवर्स है ना वो वैलिड नहीं है, इसका रिवर्स ठीक नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबिलिटी एनश्योर्स कंटिन्यूटी आल्सो, बट कंटिन्यूटी कांट से वेदर द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल आल्सो, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन के केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आई कि एवरी फंक्शन विच हैज़ अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन है अगर उसका किसी पॉइंट पर फाइनाइट डेरिवेटिव बनता है, तो पॉइंट पर फाइनाइट डेरिवेटिव आने का मतलब है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। तो इस तरीके से हमें अगर क्वेश्चन दिया जाता है चेक अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें, डिफरेंशिएबल है तो नेचुरल सी बात है वो कंटिन्यूस भी होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं बनता तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं बनेगा, ये पॉइंट भी ध्यान देने का। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट एट एनी पॉइंट देन इट कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा ये कहना पॉसिबल नहीं है। मतलब रिवर्स वे में तो ये चीज अप्लाई होती है, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल।
This is the relationship between differentiability and continuity. Now let us take the example of a question so that we may learn how to check differentiability of a function at a point. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्वेश्चन हम अगर लेकर चलेंगे तो उस क्वेश्चन के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है कि नहीं, उसे हम चेक कैसे करेंगे. लेट अस सी, एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज गिवन बाय एक्स इनटू साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0. ये एक फंक्शन है. ऐसा फंक्शन हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी पढ़ा था, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आया था जहाँ, और हमने चेक किया था दैट दिस फंक्शन इज डेफिनेटली अ कंटिन्यूस फंक्शन. ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन तो है बट इट इज नॉट डिफरेंशियबल. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0. हमें शो भी यही करना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस तो है लेकिन ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है. तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा कि नहीं बनेगा. लेट अस कैलकुलेट द लेफ्ट हैंडेड लिमिट. लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज गिवन बाय लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स. सो वी मे राइट इट एज लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस इंटू एक्स साइन 1 बाय एक्स. फंक्शन की वैल्यू को रख दिया हमने यहाँ पर. अब अगर हम यहाँ पर x को पुट करते हैं 0 माइनस h, तो x को 0 माइनस h रखने से x को 0 माइनस h यानी माइनस h अगर हम पुटअप करते हैं तो जब x 0 की तरफ जाएगा तो h भी 0 की तरफ जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h इंटू माइनस h. अब इसे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो वी कैन से इट इज माइनस एच इंटू माइनस साइन 1 बाय एच. ये माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन के केस में नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाता है. अब अगर हम यहाँ से देखें तो वी आर हैविंग लिमिट एच गोज टू 0 एच इंटू साइन ऑफ 1 बाय एच. अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालते हैं हमने किया, तो हम एच की लिमिट अलग से ले लेंगे और h goes to 0 sin 1 by h की लिमिट अलग से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी. अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है उसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट ऑफ h as h goes to 0. h को 0 पुट करोगे ये तो 0 ही आ गया, जबकि दूसरा जो पार्ट है साइन 1 बाय एच इट विल बी अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1. ये तो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच की एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी जिसे कि हम यहाँ काउंट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1. अब जब आप 0 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट 0 एज अ रिजल्ट. तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ गया बेटा, 0 आ गया. तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू 0 आई. अब हमें करना है राइट हैंडेड लिमिट को इवेल्युएट. जब हम राइट हैंडेड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे वी शैल टेक लिमिट एज एक्स गोज टू 0 प्लस फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स. अब जब 0 प्लस लेकर चलोगे तो 0 प्लस के केस में यू आर गोइंग टू पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, दैट इज h ओनली. आप x की जगह क्या पुट करेंगे, यू आर गोइंग टू पुट h इन केस ऑफ x. अब जब आपका x 0 पर जाएगा h फिर से 0 पर जाएगा, यू आर हैविंग लिमिट h गोज टू 0 h इंटू साइन ऑफ 1 बाय h, जिससे अगर हम आगे इवेल्युएट करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है लिमिट h गोज टू 0 ऑफ h इंटू लिमिट h गोज टू 0 ऑफ साइन 1 बाय h. फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 0 तो वैल्यू आती है पहले वाली लिमिट की. अगेन वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. यही रिजल्ट हमें मिलने वाला है फिर से RHL में कि एक क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी जो h की लिमिट है और दूसरा जो है उसमें एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी बिटवीन माइनस 1 टू 1 एंड हेंस अगेन द वैल्यू इज 0. तो अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आया,
we have obtained that left handed limit as well as the right handed limit is equal to 0. LHL और RHL दोनों ही इक्वल आ रहे हैं इसके 0 पे. दोनों अब F0 को अगर देखें तो फंक्शनल वैल्यू को पहले से ही 0 गिवन थी. ये जो फंक्शनल वैल्यू है fx की वैल्यू है at x equal to 0 that was already given to 0. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0. कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. नाउ लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. अब जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने में फंक्शनल वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है. फंक्शनल वैल्यू f0 जो है वो कितनी आ रही है, 0 के बराबर है. फंक्शनल वैल्यू 0 के बराबर है. नाउ लेट अस कैलकुलेट LHD. LHD इज गिवन बाय लिमिट x गोज टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बेटा, वैल्यू रखोगे तो आएगा x इंटू साइन 1 बाय x f0 यानी 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0. तो कुल मिलाकर ये क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास, आया लिमिट x गोज टू 0 माइनस x इंटू साइन 1 बाय x डिवाइडेड बाय x. अब x से x तो कैंसिल हो गया. जब x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ माइनस 1 बाय एच. ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हम वही काम करेंगे, एक्स को रखेंगे 0 माइनस एच. जब एक्स जाएगा 0 पर तो एच भी जाएगा 0 पर. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास. अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो जरा, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इसमें हमारे पास एल एच डी की वैल्यू क्या आई, वी हैव ऑब्टेन लिमिट एच गोज टू 0 साइन ऑफ माइनस 1 बाय एच विच इज माइनस साइन 1 बाय एच. माइनस को तो बाहर ले लीजिए. अब हमारे पास आ रहा है लिमिट एच गोज टू 0 साइन ऑफ 1 बाय एच. अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब एच जाएगा 0 पर तो 1 बाय एच कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर. जब 1 बाय एच इन्फिनिटी के नज़दीक पहुँचेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो इन्फिनिटी पर डायरेक्टली पहुँचने वाला है, या एच जो है वो 0 को एकदम से अप्रोच कर जाएगा. एच अगर 0 की तरफ जाएगा भी तो पहले मान लो वो 0.1 तक पहुँचता है, फिर वो और रिड्यूस होकर 0.01 पे पहुँचेगा, फिर वो और रिड्यूस होगा. तो ऐसे रिड्यूस होते होते 0 पे जाएगा ना, एकदम से तो जाएगा नहीं. तो जैसे एच 0 की तरफ मूव करेगा वैसे क्या होगा, जो ये वैल्यू जो फंक्शन है ना साइन 1 बाई एच, इट विल ऑसिलेट. ये ऑसिलेट करेगा किस किस के बीच में, इट विल ऑसिलेट बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1. ये फ्लक्चुएशंस चलेंगी इसमें, इट इज गोइंग टू फ्लक्चुएट. तो फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, बिटवीन माइनस 1 टू 1. और इस वजह से हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली नहीं है हमें, हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि इस फंक्शन की वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1. तो क्योंकि हमें फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है इसलिए ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसी तरह से जब हम राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी जब हम लेंगे लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस, तो 0 प्लस लेने पर भी इस फंक्शन में वही एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस 0 लेने से हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो ये आ जाती है. हम x को पुट करेंगे 0 प्लस h, तो ये जो फंक्शन है इट विल बी कन्वर्टेड. ये जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट विल बी कन्वर्टेड इन टू लिमिट h गोज टू 0 साइन 1 बाय h. क्योंकि अब आप ले रहे हो लिमिट x गोज टू 0 प्लस, 0 प्लस के केस में आप x को रखोगे 0 प्लस h. जब x 0 पर जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा. तो ये बना लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ 1 बाय h, जिसकी वैल्यू जो है वो वही ऑसिलेटिंग वैल्यू आपको मिलेगी. इट विल फ्लक्चुएट, इट विल ऑसिलेट बिटवीन माइनस 1 टू 1 एंड हेंस RHD आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट. राइट हैंडेड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब इस फंक्शन में ना लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना राइट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट एट ऑल डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0. तो ये जो फंक्शन है ये 0 पर
डिफरेंशियबल नहीं है, हमारा एक ही सॉल्यूशन रहेगा, एल एच डी एंड आर एच डी डू नॉट एग्जिस्ट, एल एच डी आर एच डी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिराइवेबल और नॉट डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल नहीं है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू जीरो पर। तो इस तरीके से हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को एग्जिबिट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन हम एक और लेकर चलते हैं जिससे कि हमें पता चले कि डिफरेंशियबिलिटी को एग्जैक्टली डील कैसे करना होता है। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर का स्टेटमेंट है एफ एक्स इज 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन हाफ, इट इज 3 माइनस 6x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। We need to check whether or not this function is differentiable at x is equal to 1 by 2. हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 by 2 पर differentiable होगा या नहीं होगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम differentiability को चेक करेंगे सबसे पहले हम functional value निकालेंगे। functional value के लिए कई बार अगर हमारा आगे क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना तो भी अगर हमने इसे इवेल्युएट किया है तो वी आर गिवन हाफ और वन मार्क अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। तो ये अक्सर हमें मिलते हैं, अगर हमने इतना भी लिखा है ना तो एग्जामिनर हमें इसका क्रेडिट जरूर देगा। तो इस क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले जो फंक्शनल वैल्यू को ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ना फंक्शनल वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी निकाल लो, या आपको लेफ्ट हैंडेड ब्रांच लेनी है तो आप एक्स को 1/2 इसमें पुट करोगे, राइट हैंडेड लेना है तो इसमें पुट करोगे, ऐसा नहीं है। यही चीज़ इसमें ध्यान देने की है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा फ्रॉम वेयर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1/2। अब आप देखो जरा, अपर ब्रांच में इक्वालिटी विद हाफ गिवन नहीं है, लोअर ब्रांच में आपको इक्वालिटी दी हुई है, यू हैव बीन गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। यहाँ आपको इक्वल टू 1/2 का कॉन्सेप्ट दिया है ना, जब यहाँ इक्वालिटी आ रही है तो f को 1/2 पुट करके हम फंक्शनल वैल्यू भी इसी ब्रांच से निकालेंगे, ऊपर वाली ब्रांच से नहीं निकालेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान देना है इस बात पर, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को ओवरलुक करोगे ना देन यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो एफ ऑफ हाफ तो आ गया 3। नाउ लेट अस कैलकुलेट लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, इट इज गिवन बाय लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1/2। कुछ भी आगे कैलकुलेट करने से पहले वैल्यू को पुटअप करते हैं, एफ ऑफ एक्स दिस इज 2x माइनस 1, क्यों, क्योंकि हम जीरो वी आर गोइंग टू टेक द लिमिट 1/2 माइनस, आप हाफ माइनस की लिमिट ले रहे हो, हाफ माइनस का मतलब क्या हो गया कि आप 1/2 के लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तो आप 2x माइनस 1 के ब्रांच को यूज करोगे, और फंक्शनल वैल्यू इज 2x माइनस 1 माइनस फंक्शनल वैल्यू एट 1/2 इज 0 डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ। अब अगर इसे फर्दर इवेल्युएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमें इसे फर्दर निकालना है तो हमें इसका थोड़ा फिगराइजेशन थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे ना इसको, तो एल एच डी इज गिवन बाय लिमिट x गोज टू 1/2 माइनस, ऊपर तो आ रहा है 2x माइनस 1 और नीचे आप एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 1/2 आता है जो कि शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, एंड यू विल बी लेफ्ट विद लिमिट x गोज टू हाफ माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स 2x माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब ये जो वैल्यू आपको मिली यहाँ से आगे चले तो क्या होता है, 2x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 से कैंसिल ही हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 2 ओनली, तो हमारे पास एल एच डी की वैल्यू क्या बची, ओनली 2। अब आते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव पे, राइट हैंडेड डेरिवेटिव था लिमिट x गोज टू हाफ प्लस, हाफ के पॉजिटिव साइड पर जाना है आपको। अब जब आपको हाफ के पॉजिटिव साइड पर जाना है तो आप वो ब्रांच यूज करेंगे जहाँ पर आपकी जो फंक्शन है वो x मोर देन हाफ के लिए आता है। तो जब आप मोर देन हाफ के लिए कंसिडर करोगे तो मोर देन हाफ के लिए क्या होगा कि फंक्शनल वैल्यू तो थी 3 माइनस 6x, ये गिवन था क्वेश्चन में कि x अगर मोर देन हाफ है तो आप 3 माइनस 6x लेंगे, फंक्शनल वैल्यू 1/2 पर तो वही जीरो ही रहेगा जैसा पहले था डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नाउ लेट अस कैरी आउट द फर्दर कैलकुलेशंस।
जब हम इसको और आगे लेकर चलते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट x गोज टू हाफ प्लस ऊपर से 3 माइनस 6x में से माइनस 3 को कॉमन लो तो बचता है 2x माइनस 1 और नीचे एलसीएम लेने पर 2x माइनस 1 इंटू 2 ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6, सिर्फ माइनस 6 बचता है हमारे पास। अब एलएचडी तो कितना आया था 2 और आरएचडी की वैल्यू कितनी आई माइनस 6। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव, सो व्हाट कैन वी से, इट इंप्लाइज अवर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से लिमिट्स को इवेल्युएट करके वी कैन चेक वेदर और नॉट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी गिवन पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। इतना ही कंटेंट जो है वो हम लोग कर पाए थे अभी तक, तो प्लीज़ गो थ्रू द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो फॉर टुडे। इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हम किस तरह से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी टेकन टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।